नमस्कार, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अपने हर सेंटर पे बंजारा हिल्स, सनत नगर, मनीकोंडा और कोमपल्ली पे जुलाई में हर शनिवार फ्री फर्टिलिटी कैंप रख रहा है। अवश्य आइए, अपना फ्री वैल्यूएशन कराइए, ट्रीटमेंट ऑप्शन समझिए और ये जान लीजिए कि बहुत अच्छे डिस्काउंट्स दिए गए हैं IVF पैकेज पर। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिसके अंडे रिलीज नहीं होते उनको क्या कोई सिम्टम्स होते हैं, उनको क्या पता लग सकता है कि अंडे सच्ची में रिलीज नहीं हो रहे। प्रॉब्लम वो है कि ये अंडे रिलीज नहीं होने के कारण वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि सिम्टम्स कुछ ज़्यादा मुख्य नहीं है, बट ओविलेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि जिसके अंडे रिलीज नहीं होते हैं उनको मेन इशू ये होता है कि पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, या बहुत जल्दी आ रहे होते हैं, या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आ रहे होते हैं। इस कारणवश उनको रेगुलर पीरियड्स में आपत्ति होती है और रेगुलर पीरियड्स ना होने के कारण उनको प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। तो बेसिकली ये पेशेंट्स में मेन सिम्टम आपको पीरियड्स के द्वारा पता लगेगा कि अंडा ठीक से रिलीज हो रहा है या नहीं। अक्सर देखा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम हो सकता है, PCOS पेशेंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड या पॉलिप हो, इसकी वजह से पीरियड भी इरेगुलर हो सकते हैं। ये भी कारण हो सकता है जिससे आपके पीरियड्स इरेगुलर हों और आप सोचें कि ओविलेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो पता कैसे लगाएं कि ओविलेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? बेसिकली ये है कि आपको हार्मोन टेस्ट कराने होंगे थोड़े से, जिसके चलते चलते आपको कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स बहुत आवश्यक होते हैं, ये रेगुलर होने से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला है थायरॉयड। थायरॉयड अगर ज़्यादा हो या कम हो, जिसे हम हाइपरथायरॉयड या हाइपोथायरॉयड कहते हैं, कम ज़्यादा होने के वजह से अंडे ठीक से रिलीज नहीं होते, तो इसका रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है। और आपको जान के खुशी होगी कि ये सिर्फ मेडिकेशन के द्वारा कुछ हफ्तों में ठीक हो सकता है और आप अपने पीरियड्स को रेगुलराइज करके स्वयं प्रेग्नेंट हो सकते हो। सेकेंड महत्वपूर्ण हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी एक ऐसा हार्मोन है प्रेगनेंसी के बाद रिलीज होता है। जब एक माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो ये हार्मोन रिलीज होता है, तो ब्रेन सोचता है कि ये प्रेग्नेंट है इसीलिए अंडा रिलीज नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इस कन्फ्यूजन में जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं उनको भी अंडा रिलीज नहीं होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इसमें भी अच्छी खबर ये है कि प्रोलैक्टिन भी टैबलेट्स मेडिकेशन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। सो चंद हफ्तों में आपके पेरेंट्स रेगुलर हो सकते हैं और आप स्वयं भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। लेकिन आवश्यक बात जानने की ये है कि प्रोलैक्टिन अगर बहुत ज़्यादा हाई हो तो आपके ब्रेन में कुछ ट्यूमर भी हो सकता है और इसके बाद आपको कुछ MRI वगैरह करा के को रूल आउट करने की आवश्यकता होती है। ऑफकोर्स आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपको ये आगे क्या करना है इसका मार्गदर्शन जरूर देंगे। ये चंद ब्लड टेस्ट हैं। PCOS पेशेंट्स में भी ये देखा गया है कि पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं क्योंकि अंडा रिलीज ठीक से नहीं होता है। तो इन पेशेंट्स में खुशखबरी ये है कि मेडिकेशंस के द्वारा भी ये PCOS को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उन पेशेंट्स में जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण अंडा रिलीज नहीं होता है, तो मेटफॉर्मिन नामक मेडिकेशन डोसेज आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। ये देने से कुछ महीनों में आपके पीरियड्स रेगुलराइज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर आप ये कुछ चंद टेस्ट कराएंगे और इनके लेवल्स अगर आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा लेंगे, आपको ये बता जाएगा कि ओविलेटरी प्रॉब्लम यानी कि अंडा रिलीज होने का कारण क्या है, इसके बाद आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फोन कीजिए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।